नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आपने सुना क्या, torrent.org पर रजिस्टर और KYC कंप्लीट करने पर आप पा सकते हैं 5000 शिबा कॉइन, और अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो 10000 शिबा कॉइन। टोरेंट टैक्स है तो सेफ है। चुनाव टालने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सीएम केजरीवाल के फर्जी वीडियो पर संबित पात्र पर दर्ज होगी FIR। टीएमसी में शामिल हुए पवन वर्मा, ममता बनर्जी ने किया स्वागत। सीएम योगी का निशाना, बोले समाजवादी पार्टी का एजेंट बनकर ओवैसी भावनाओं को भड़का रहे हैं। कंगना रनौत की बढ़ेंगी मुश्किलें, सिख समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर दर्ज होगी FIR। नमस्कार, पार्ट समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड के तीर्थ पुरोहितों के चार धाम देवस्थानम बोर्ड का विरोध तेज कर दिया है। अब आपको बता दें कि अब तक चारों धामों में तीर्थ पुरोहित आंदोलन कर रहे थे। राजधानी देहरादून में तीर्थ पुरोहितों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के सभी मंत्रियों के आवास का घेराव किया और बोर्ड को तत्काल भंग करने की मांग की। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि पहले भी तीर्थ पुरोहितों से 30 नवम्बर तक इंतजार करने को कहा गया था और अब 30 नवंबर पूरे होने में काफी समय नहीं बचा हुआ है। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि सरकार अपने तय वादे को भूल रही है, देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था को सरकार वापस करे। उतावलापन नहीं होना चाहिए। 30 नवंबर बकायदा मुख्यमंत्री जी और मैं जब हम केदारनाथ गए थे मोदी जी के दौरे से पहले, तो बकायदा उनको बोल के आए कि 30 नवंबर तक सरकार निर्णय ले लेगी। तो अभी 30 नवंबर आने में समय है, पूरा 7 दिन का समय बाकी है। ध्यानी जी को कह दिया गया है कि तत्काल वो रिपोर्ट प्रस्तुत करें और ध्यानी जी की रिपोर्ट आने के इमीडिएटली उसके बाद हम लोग इसे फैसला ले लेंगे। हमारी तो एक ही मांग है, हमने कहा बार बार, एक लाइन का फैसला है, इस कानून को वापस लो। देवस्थान बोर्ड जो काला कानून बनाया गया है सनातन के घोर विरोध में, तत्काल इसको वापस लो। एक लाइन में उनका उत्तर, हमारा उत्तर है, और उनको वापस लेना चाहिए। अगर वो सनातनी है और हिंदू के हिमायती बनते हैं तो उनको वापस लेना चाहिए, ये भी समझ रहे हैं, मोदी जी इस बात को समझते हैं। तो जो 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 जनता वहीं रुड़की के बीटीगंज में जैन धर्मशाला में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे, जहां उन्होंने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इस दौरान रुड़की शहर के व्यापारियों ने अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ी बेबाकी के साथ कहा कि कांग्रेस व्यापारियों की समस्याओं को लेकर बेहद गंभीर है और प्रदेश सरकार ने पहले भी व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से ही लिया है। बहुत खुशी की बात है, रुड़की हमारा प्रवेश द्वार भी है और यहाँ के व्यापारी वर्ग बहुत प्रबुद्ध वर्ग है, तो उनसे बातचीत करते हुए ये अच्छा लगेगा। फिर 2022 में एक नई सुबह होनी है, चुनाव होने हैं, तो हम चाहेंगे कि उस चुनाव से पहले कांग्रेस व्यापारियों से, उद्यमियों से, छोटे छोटे व्यवसायियों से, सभी लोगों से संपर्क करें ताकि हम अपनी पॉलिसीज को, नीतियों को किस तरीके से 2022 से सत्ता में आने के बाद हम संचालन करेंगे, उसके उसमें जो व्यापारियों की अपेक्षा है हम लोगों से, राजनीतिक दलों से, हम राजनीतिक दल के रूप में कांग्रेस के रूप में उस अपेक्षा का अपने घोषणा पत्र में समावेश कर सकें और भविष्य की अपनी नीतियों को उसके अनुसार ढालने का वादा कर सकें। तो इस उसी क्रम में मैंने आज ये बैठक रखी। देखिए, हमारे रुड़की के अंदर दो ही समस्या
मुझे बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी काफ़ी टाइम से, जब से मैं जीता हूँ, जब से मैं देख रहा हूँ कि रामनगर का, आप भी देख रहे हैं कि दुकानों का जो मैटर चल रहा है उसके अंदर क्या है कि उन्होंने तो बेचारों ने नंबर एक से सारी दुकानें ली हैं, पर वो फंसे हुए हैं बीच बिचाव के चक्कर में, बिचौलियों के चक्कर में। मैंने उनके सामने यही समस्या रखी कि भाई रामनगर जिन्होंने इन्हें रसीद कटी है, अगर उसका चार्ज कुछ एक्स्ट्रा बैठता है उसको लेके इनकी दुकानें दी जाए वापस। क्योंकि देखो एक पर्सनल व्यू भी है इसके अंदर, एक तो सारी बिरादरी की दुकानें हैं अपनी, और दूसरे नंबर की बात है मैं व्यापार मंडल से महामंत्री हूँ, तो हमें तो सोचना ही पड़ेगा इस बारे में, क्योंकि व्यापारियों ने हमें जिताया तो व्यापार के बारे में सोचना पड़ेगा। रावत जी का था जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस के उत्तराखंड से, और उन्होंने आज व्यापारियों की समस्याएं, जन समस्याएं उनसे जानी, उनका समाधान करने का उन्हें पूरा विश्वास दिलवाया। और यहाँ के हर कांग्रेसी कार्यकर्ता ने और जितने भी यहाँ के कांग्रेस के पदाधिकारी थे, उन्होंने बहुत मेहनत से व्यापारियों को समझाया और उन्हें यकीन दिलाया कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी 2022 विधानसभा जीत कर कांग्रेस। विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने प्रबुद्ध जन सम्मेलन के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों के बीच पहुंचकर अपनी सरकार की छवि को बेहतर करने में फिलहाल वो जुटी हुई है। पानी में लाल कुआं काला डूंगी विधानसभा में प्रबुद्ध जनों का सम्मेलन आयोजित किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत, समस्त पार्टी के बड़े पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में प्रबुद्ध जन इस मौके पर मौजूद रहे। जिसमें पूरे प्रदेश के अंदर हर विधानसभा में प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर और हम लोग अपनी पार्टी के द्वारा किए गए काम, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा राज्य को दिया गया आशीर्वाद और अपनी पार्टी की रीति नीति अन्य राजनीतिक दलों में और भारतीय जनता पार्टी के विचार से लगाकर काम करने के जो एक अलग से अंतर है, ये सारी बातें जो हम प्रबुद्ध जनों के साथ बैठकर साझा करते हैं और आने वाले चुनाव के लिए आशीर्वाद भी मांगते हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और युवजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष मौसम अली, सपा नेता हाजी खालिद ने मुलायम सिंह यादव के जन्मदिन पर दरगाह साबिर पार्क में चादर और फूल पेशकर उनकी लंबी उम्र की दुआ मांगी। वहीं मौसम अली ने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने अपने जीवन में जो भी कार्य किए हैं वह सब देशहित और जनता के हित में ही किए हैं। वह सभी धर्मों के साथ लेकर वो चलते आए हैं। मुलायम सिंह यादव ने हमेशा गरीब और बेसहारा लोगों की मदद की है। उन्होंने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। जो उत्तराखंड का पांचवा धाम है, जहां पर सरकार साबिर पार्क की वर्ल्ड फेमस दरगाह है, वहां पर हमने चादर और फूल इसलिए पेश किए हैं कि हमारी समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री, सपा सांसद, पूर्व रक्षा मंत्री, समाजवादी पार्टी संरक्षक माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का आज 83वां जन्मदिन, तो उनके जन्मदिन की खुशी के उपलक्ष्य में आज हमने दरगाह साबिर पार्क में फूल और चादर पेश करके उनके लिए अच्छी सेहत और उनकी लंबी आयु की दुआ मांगी है। और 2022 के आने वाले चुनाव में माननीय अखिलेश यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने, समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में दोबारा से आए और गरीब मजबूर जो बड़ी बेसब्री से ये इंतजार कर रहे हैं कि कब अखिलेश आए और कब उनका विकास हो, जल्द से जल्द उनका विकास। हमारी अगली खबर रुड़की से है, जहां पर एनएच पर आरटीओ कार्यालय के पास दर्दनाक हादसा देखने को मिला, जहां शादी में जा रहे बाइक सवार दंपति को रोडवेज बस ने टक्कर मार दी। इस हादसे में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने शव को हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी बीच गुस्साए ग्रामीणों को समझाने का पुलिस ने प्रयास किया। वही कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह हल्द्वानी पहुंचे, यहां ज्योत सिंह ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार मुख्यमंत्री बदलने वाली सरकार है, यह सरकार केवल मुख्यमंत्री बदलने का ही काम करती है, क्योंकि पिछले 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से बदले जा चुके हैं और कोई भी मुख्यमंत्री उत्तराखंड का विकास नहीं कर पाया। यह सरकार वादा करने के बाद एक दूसरे पर फैसले डालने वाली सरकार है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उत्तराखंड की जनता ने किसी भरोसे से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका दिया है, लेकिन उन्होंने पिछले 5 सालों में केवल उत्तराखंड को भ्रष्टाचार और नौकरशाही की सरकार बनाकर रख दिया है। अब जनता के पास फिर से जवाब देने का मौका है। उत्तराखंड में जिस तरह का वातावरण है, कांग्रेस की सरकार बनने का वातावरण है, कांग्रेस की सरकार ने अपने पहले और दूसरे कार्यकाल में जिस ढंग से राज्य के अंदर ढांचागत विकास करने के साथ साथ
राज्य में उद्योग धंधे स्थापित करके रोजगार की संभावनाओं को खड़ा किया, राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सिंचाई के क्षेत्र में बड़े काम किए, और दूसरी तरफ उत्तराखंडियत को जिंदा रखने के लिए जिस तरह से यहाँ के स्थानीय उत्पादों, बोली, भाषा, संस्कृति को बढ़ावा देने का काम किया, उससे लोग अब समझ गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली पार्टी है। इसकी सरकार बनने पर महंगाई बढ़ती है, बेरोजगारी बढ़ती है, किसान को परेशानी होती है, महिलाओं को परेशानी होती है, और इस सरकार को सत्ता से बेदखल करके कांग्रेस को अगर हम सत्ता में लाएंगे तो निश्चित रूप से कांग्रेस गरीबों की रक्षा के साथ साथ राज्य के हितों की रक्षा भी करेगी। वही कालाजोगी में भूतपूर्व सैनिकों की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के जरिए जानकारी दी गई कि चार धाम जिस तरह देवताओं को समर्पित है, उसी प्रकार से शहीदों के लिए भूतपूर्व सैनिकों की तरफ से शहीद धाम बनाने का प्रयास चल रहा है। आगामी 27 तारीख को शहीद धाम बनाने की अगुवाई में एक भव्य कार्यक्रम किया जाएगा। भूतपूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह और एक्स सर्विस मैन कल्याण के मंत्री गणेश जोशी 57 शहीदों को सम्मानित करेंगे, जिसमें 6 शहीद कोटाबाग ब्लॉक के पास से आते हैं। इसी को लेकर कर्नल बिस्ट ने कहा कि शहीदों के परिजनों का विरोध अगर शहीद धाम बनाने में हो रहा है तो उसका कारण उनके परिजनों की मांगों को लेकर होगा, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। हमारे उत्तराखंड में ये कोई 5वां शहीद धाम बनेगा देहरादून में, तो उसके लिए हर एक शहीद के घर से मिट्टी इकट्ठा की जा रही है, कलश आए हैं, और 27 तारीख को एक भव्य कार्यक्रम होगा हल्द्वानी में, जिसमें भूतपूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह साहब आएंगे और गणेश जोशी साहब, जो कि मंत्री हैं एक्स सर्विसमैन कल्याण के उत्तराखंड के, वो आएंगे। रामलीला मैदान हल्द्वानी में वो प्रोग्राम होगा, वहाँ पे 57 शहीद जो है पूरा नैनीताल डिस्ट्रिक्ट। कलियर में दरगाह मेला भूमि की पैमाइश करने के लिए तहसील प्रशासन की टीम पहुंची। अवैध कब्जे की वजह से टीम दरगाह मेला भूमि की पैमाइश करने के लिए पहुंची हुई थी। टीम को देख हज समिति अध्यक्ष शमीम आलम ने कहा कि आक्रोशित होकर उन्होंने कई बातों को बोला। उन्होंने ये भी कहा कि उनके रहते साबिर पाक की मेला भूमि पर कोई भी कब्जा नहीं होने दिया जाएगा। हज समिति अध्यक्ष शमीम आलम ने कहा कि कोई भी दरगाह की मेला भूमि के साथ छेड़खानी करेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज जो है पत्रकार महोदय, दरगाह की जो जमीन है वो लगभग 5,000 बीघा है, और इसकी जानकारी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं भी यहाँ पर जिम्मेदारी रही है दरगाह की 82-83 में के आसपास रही है, तो बहुत सारे मुकदमे उस समय मैंने भी किए थे, और बहुत सारे ज़मीन जो है ना, कई सौ बीघा ज़मीन मैंने खाली भी कराई थी, जो गुंडे भू माफिया उस समय भी जो है उसको कब्जा कर रहे थे, उसको छुड़वाया था। और SDM साहब, कोतवाल साहब, उस समय ये है कि ये जो हरिद्वार है डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में था, तो एक न्याय की दृष्टि से जो है उस समय भी और आज भी अगर कोई हमारे पास में आता है न्याय लेने के लिए, तो हमारा काम है, हम जो है समाज के सेवक है, तो समाज के सेवक है, कोई भी समाज आएगा उसके साथ अन्याय हो रहा है, या मंदिर के साथ अन्याय हो रहा है, या मस्जिद के साथ अन्याय हो रहा है, या गुरुद्वारे के साथ अन्याय हो रहा है, या हमारे क्रिश्चियन भाइयों का है उनके लिए अन्याय हो रहा है, और उनकी ज़मीनें अगर कोई भू माफिया उसको खाना चाहते हैं, उल्टे सीधे तरीके से जो है उसको अपने नाम चढ़वा लेते हैं, तो ये वही लक्सर के खानपुर विधानसभा के तुगलपुर गांव में अंबेडकर पार्क के शुरू हुई पदयात्रा में प्रतिभाग करने उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे। खानपुर में हरीश रावत का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस पदयात्रा में सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा, हम सदन में सरकार को सड़क से कई जगह घेरेंगे, और जो उत्तराखंड की संपत्ति हुआ करती थी उन्हें वर्तमान मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को समर्पित कर दिया है, जो उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है। रोजगारी के खिलाफ है, जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है इस राज्य में उसके खिलाफ है, जो इस समय सरकारी भर्तियां रुकी हुई हैं, पुलिस की भर्ती रुकी है उसके खिलाफ है, जो गन्ने का मूल्य घोषित नहीं किया जा रहा है उसके खिलाफ है, किसानों को खाद नहीं दी जा रही है, किसान भटक रहा है उसके खिलाफ़ है, किसानों का धान खरीदा नहीं जा रहा है,
आधा धान बाहर कर दिया जा रहा है, ये सरकार के इस रवैये के खिलाफ। प्रदेश में भाजपा पूरी तरीके से फेल हुई है, इसका डबल इंजन पूरी तरीके से फेल हुआ है। कहीं से कहीं तक कोई रोजगार नहीं उपलब्ध कराया है। पिछले 5 सालों में युवा बेरोजगार है, चरम सीमा महंगाई पार कर चुकी है। मातृशक्ति को सबसे ज़्यादा इन्होंने ठगा है, युवाओं को ठगा है, किसानों के साथ जो इनका रवैया है। हमारे प्रदेश में एक नया पैसा इन्होंने नहीं बढ़ाया। हर वर्ग आज परेशान है, उसके विरोध में बहुत ज़्यादा आक्रोश लोगों में है। और जनता के लिए जो इन्होंने कार्य करने थे उसमें ये पूरी तरीके से भाजपा ये डबल इंजन विफल हुआ है। आज जन आक्रोश है और वही जन आक्रोश आज हमें सड़कों पे मिल रहा है। कांग्रेस की पदयात्रा में लोगों ने मैलक्सर के नेहंदपुर सुठारी गांव में मत्स्य पालन के लिए पट्टा आवंटित किया गया है। कुछ नियमों के प्रतिबंध के साथ ही पट्टा चलाने की अनुमति दे दी गई, लेकिन जानकारी मिली कि खनन सामग्री तौलने वाले कांटे में भारी अंतर पाया गया और लापरवाही के चलते नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और क्षेत्रीय लोगों ने मामले की शिकायत लक्सर उप जिलाधिकारी से कर दी। वहीं उप जिलाधिकारी इस खनन पट्टे का निरीक्षण करने पहुंचे और उन्हें भी भारी खामियां दिखाई दी। इस तरह की कई अन्य खामियां भी पाई गई हैं, जिसके चलते फिलहाल पट्टे को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है। नेहंदपुर में मत्स्य पालन का जो पट्टा है वो वैधानिक रूप से स्वीकृत है, परंतु इसमें इसके निरीक्षण करने पर इसमें कुछ कमियां पाई गई हैं। जैसे इनके द्वारा जो यहाँ पर धर्म काटा है उसका सत्यापन नहीं कराया गया और उसमें काफ़ी वजन में डिफरेंस भी आ रहा है। साथ ही इनके द्वारा जो भी यहाँ पर खनन कार्य होता है वहाँ पर जो CCTV लगाया गया है, परंतु जहाँ पर जिस क्षेत्र में हो रहा है उसका पूरी तरह से कवरेज नहीं हो रही है। साथ ही यहाँ पर इनके द्वारा जो रवैया इनके द्वारा जारी किया जाता है उसकी प्रति भी ऑफिस में ठीक तरह से नहीं रखी गई है। तो इन सब अनियमितता के कारण इसका जो पट्टा है इनको तत्काल बंद करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही इनको ये निर्देश दिए गए हैं कि पहले ये इन सब अनियमितताओं को कमियों को पूरा करेंगे, उसके बाद इसका सर्टिफिकेट देंगे, उसके बाद इनको संचालन करने की अनुमति होगी। वहीं विकास नगर तहसील परिसर में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी महिलाओं का आज दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन कार्यक्रम जारी रहा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में हो रही धांधली और दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार को लेकर विकास नगर और सहसपुर ब्लॉक की महिलाओं ने कई बातें कही। धरने पर बैठी महिलाओं का कहना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनें पिछले 9 महीनों से प्रशासन से गुहार लगा रही हैं, अभी तक उसका परिणाम निकलकर सामने नहीं आया है। विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने खुद ज्ञापन निकलवाया है पर साथ ही निरस्तीकरण के आदेश भी खुद ही जारी कर दिया है। इसी के साथ समूह की महिलाओं ने धरना प्रदर्शन कर सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तब तक ये धरना प्रदर्शन इसी प्रकार से जारी रहेगा। यहाँ कल से धरने पर बैठे हैं, हमारा दिन रात का धरना है, रात भी हम यहाँ बैठे हैं और सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि जो टेक होम राशन का जुमला ये जो हमें पागल बनाया जा रहा है शासन प्रशासन द्वारा और हमें 9 महीने से जो परेशान किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि जो टेक होम राशन का जो परिणाम है पेंडिंग है इस परिणाम को जल्द से जल्द निकाला जाए, अन्यथा ये आंदोलन उग्र रूप धारण करने में समय नहीं लगाएगा। गलत है, महिलाओं का जो सशक्तिकरण माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं, देखिए हमारे को धामी जी का जितना भी मैं सुनती हूँ बहुत पॉजिटिव सुनते हैं पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा। मैं धामी जी से चलते फिरते मिली, जनता दरबार में मिली पर उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हाँ नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए और सब कुछ पता है। उसके बावजूद भी रेखा आर्य जी ने भी हमें आश्वासन दिए, उनके पति हमें हमेशा आश्वासन देते हैं, जब भी वहां जाओ उनके पति हमें मिलते हैं वो आश्वासन देते हैं और उसके बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा, विज्ञप्ति निकाली, हमसे फॉर्म भरवाए और अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकाला। विकास नगर तहसील क्षेत्र के हरबर्टपुर धान क्रय केंद्र में स्थानीय काश्तकारों ने अधिकारी के सामने कई बातें रखी। कहा जा रहा है कि धान विक्रय के लिए टोकन रजिस्ट्रेशन होने के बावजूद भी सभी काश्तकारों का धान क्रय नहीं किया जा रहा। इसी संबंध में किसानों ने उपजिलाधिकारी विकास नगर को शिकायती पत्र दिया। हरबर्टपुर क्षेत्र के स्थानीय काश्तकारों का यह भी आरोप है कि धान क्रय केंद्र की तरफ से क्रय के लिए तिथियां निर्धारित की गई थी लेकिन इन तिथियों में धान क्रय नहीं हो रहा है। सहकारी समिति केंद्र के अध्यक्ष उनका धान नहीं खरीद रहे हैं। कई महीनों से किसानों के धान का पंजीकरण हो रखा है। इसी के साथ जानकारी दी गई कि धान क्रय केंद्र के अध्यक्ष की तरफ से उन्हें धान खरीदने के बजाय धमकाने का प्रयास इस वक्त किया जा रहा है। हरबर्टपुर किसान सेवा सहकारी समिति जिसको सरकार ने दायित्व दिया है कि वो किसानों का धान खरीदेगी और सरकार को देगी, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण
जो समिति के अध्यक्ष हैं उनकी दलाली के कारण किसानों का धान नहीं खरीदा जा रहा है। हमारे क्षेत्र में जो किसान हैं, छोटे छोटे किसान हैं, और वो बड़ी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं, और विडंबना देखो कि उनका अनाज भी नहीं बिक रहा है। इससे बड़ा क्या भ्रष्टाचार होगा, इससे बड़ा निंदनीय कोई वर्क नहीं हो सकता। तो इसको आप क्या कहोगे, इसको सरकार का निकम्मापन कहूंगा मैं। और ऐसी सरकार को बिल्कुल सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो इन गरीब मजदूरों का, जो इन गरीब किसानों का जो अनाज पैदा किया हुआ है वो अनाज भी नहीं खरीद सकते। ऐसी सरकार को एक मिनट में भी सत्ता में नहीं रहना चाहिए। ज्ञापन देने का उद्देश्य ये है कि हम किसान हैं, अपना धान सोसाइटी में लेके आए थे, लेकिन हमें संदीप त्यागी जी ने आश्वासन दिया था कि आपका धान कल तुल जाएगा। उन्होंने कोई भी हमें ऐसा रिटर्न नहीं दिया। फ़ोन पे उनकी रिकॉर्डिंग मेरे पास ऑलरेडी है, और उसके बावजूद आज वो बोलने लगे कि हमारा कोटा पूरा हो चुका है, हम आपका धान नहीं खरीद पाएंगे। तो अगर ऐसा उनको करना था तो हमें कल झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए था उनको। इस वजह से अब हम जितने भी किसान हैं, हमारे ट्रैक्टर उधर खड़े हुए हैं, और हमारे को उसका किराया भी चढ़ रहा है जो हमारे जिस साधन से हम लेके आए हैं। तो अगर इतना परेशान हम लोगों को करना था तो उनको ऐसा हमारे साथ नहीं करना चाहिए था। वही प्रखंड नारायण बगड़ के कड़ाकोट पट्टी में वीसी दरवान सिंह नेगी की याद में 3 दिवसीय शौर्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हुआ। इस महोत्सव के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक और प्रथम विक्टोरिया क्रॉस मेमोरियल फाउंडेशन के सदस्यों सचिव गंभीर सिंह मिंगवाल, संरक्षक डॉक्टर हरपाल सिंह नेगी व मेलाधिकारी उप जिलाधिकारी थराली सुधीर कुमार ने वीसी दरवान सिंह नेगी के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। बता दें कि कार्यक्रम की शुरुआत अतिथि स्वागत गीत के साथ स्कूली छात्राओं ने किया। इसके बाद रैस गांव की महिला मंगल दल ने पारंपरिक रीति रिवाजों और प्राकृतिक खेती बाड़ी के बाद निभाई जाने वाली रस्मों पर शानदार गीत व नृत्य की प्रस्तुति दी। उपस्थित दर्शकों और अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर उनको खूब तालियां भी बटोरी गई। इसी तरह जूनियर हाई स्कूल सैंज खतौली के नौनिहालों ने भी रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। और इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आपने सुना क्या, torrent.org पर रजिस्टर और KYC कंप्लीट करने पर आप पा सकते हैं 5000 शिबा कॉइन, और अगर आप अपने दोस्तों को रेफर करते हैं तो 10000 शिबा कॉइन। टोरेंट टैक्स है तो सेफ है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, MX Player पर, और अब ये आ गया है